फर्स्ट यूनिट है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। तो सबसे फर्स्ट है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए उनके गुण स्पष्ट कीजिए, उनकी विशेषताएं डी खंड के तत्वों की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। और फिर नेक्स्ट है द्विअंगी यौगिकों में कार्बाइड और ऑक्साइड, इनको डिटेल में स्टडी करना है। फिर ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व तो क्या है और उनकी सहसंयोजक संख्याएं और उनकी ज्यामिति उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेकंड में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व किस नाम, उनका सामान्य गुण, और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कभी सामान्य गुण, ये इनमें से कोई भी अल्टरनेटिव प्रश्न हो सकता है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड और थर्ड की। और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके चुंबकीय गुण बनने चाहिए और उनका तुलनात्मक अध्ययन है ना, 3D एक्सपेरिमेंट का 3D रिप्रेजेंटेशन। थर्ड यूनिट में उपसंयोजक यौगिक में वर्नर का सहसंयोजकता बंध सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका, उसमें प्रभावी सत्यापन थोड़ा सा इसको भी स्टडी करना है। प्रभावी परमाणु संख्या की अवधारणा, कीलेट यौगिक क्या होते हैं, संकर यौगिक वो क्या होते हैं, इनका नाम थोड़ा संक्षिप्त निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त में, इसमें कीलेट संकर यौगिकों का नामकरण और उनकी समावयवता, संकर यौगिकों की समावयवता और उनसे संयोजकता बंध सिद्धांत, संक्रमण धातु संकुलों के संयोजकता बंध सिद्धांत इसको स्टडी करना है। फिर ऑक्सीकरण उपचयन में रेडॉक्स विभव का, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें जल में रेडॉक्स का स्थायित्व, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिर पोरबैक्स आरेख में क्या है, टिप्पणी लिखिए। फिर नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट है एफ ब्लॉक के तत्वों में लेंथेनाइड एक्टिनाइड का संकुचन, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताइए, लेंथेनाइड एक्टिनाइड की संरचना और इनका संकुल निर्माण, इनकी सेपरेशन मैथड, तीन ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, फिर इन लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों का पृथककरण कैसे होता है, इनके चुंबकीय गुण और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड का कंस्ट्रक्शन क्या है इसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर लास्ट फिफ्थ यूनिट में अम्ल और क्षार में आर्हेनियस का सिद्धांत, अम्ल और क्षार के सिद्धांत में आर्हेनियस सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत और लुईस की अवधारणा, तीनों में से कोई एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है पूछता है, अल्टरनेट कुछ ना कुछ पूछ लेता है। लक्स का फ्लड विलायक तंत्र, ये भी कभी कभी पूछा है प्रश्न। और फिर अजलीय विलायकों में विलायकों के भौतिक गुण, कितने प्रकार के विलायक होते हैं, उनकी समान विशेषताएं। और फिर लिक्विड अमोनिया ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिक्विड अमोनिया और द्रव SO2 के संदर्भ में, लिक्विड अमोनिया और SO2 इसको थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे।